उर्फी जावेद को पुलिस ने किया अरेस्ट। आइए देखते हैं कि पूरा माजरा क्या है। अर्ली मॉर्निंग उर्फी जावेद पहुंचती है स्टारबक्स कॉफी हाउस। पहुंचने के बाद उर्फी वहां पर आकर बैठती है और कुछ ही देर में वहां पे पहुंचती है पुलिस और दो महिला कांस्टेबल उर्फी जावेद को कहते हैं कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और आगे सुनिए उनके बीच में क्या बातें होती है। क्या हुआ? चलो ऑफिस में। क्यों? इतना छोटे छोटे कपड़े पहन के सुबह सुबह कौन बोलता है? मेरी मर्जी? क्या मतलब? किसने किसने ऑर्डर दिया आपको? आपको जो बात करना है चौकी चल के क्यों जाऊं मैं? और ये रीजन देने के बाद दोनों महिला कांस्टेबल उर्फी जावेद को जीप में बिठाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। उर्फी जावेद को जीप में बिठाया गया, एक प्राइवेट गाड़ी थी। और जब भी मुंबई पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो वो व्हाइट कलर की उनकी ऑफिशियल जीप होती है, ना कि कोई प्राइवेट व्हीकल। ये सारा नजारा देख के ये लग रहा है कि कहीं प्रैंक वीडियो तो नहीं है या उर्फी जावेद कोई रील तो नहीं बना रही है। इसमें ये हो सकता है ना कि अगर इस तरीके से उर्फी जावेद वीडियोस बनाती है, मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया, कोई फेक वीडियो बनता है और इसकी वजह से अगर मुंबई पुलिस को हैरेसमेंट होता है तो आगे जाके उर्फी जावेद पे मुंबई पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे मुंबई पुलिस डिफेम होती है। उर्फी को एक बात ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर मान लो कि ये प्रैंक वीडियो है, अगर ये प्रैंक वीडियो नहीं होता, पुलिस के भेष में अगर कोई भी अलग लोग ऐसे आए और उर्फी जावेद को कहे कि आपने छोटे कपड़े पहने, आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह उर्फी जावेद का किडनैप भी हो सकता है। उर्फी अगर आप इस तरीके के कोई वीडियो बनाते हो तो काफी सोच समझ के बनाइए ताकि आप प्रॉब्लम में ना आए, क्योंकि वीडियो हर एंगल से देखने के बाद में ये लग रहा है कि एक फेक वीडियो है, ये प्रैंक वीडियो है। लेकिन मुंबई पुलिस के साथ में इस तरीके का प्रैंक ना कीजिए, क्योंकि इस वीडियो पे भी कार्रवाई हो सकती है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सभी पे मुंबई पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो यू बेटर बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम।